हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं हमारी कमर की नसों का दबाव। यानी हमने चर्चा कर चुके हैं कि जो हमारी डिस्क होती है, हमारी डिस्क किस किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसकी वजह से आपको जैसे कि राइट साइड में बैक पेन हो सकता है, राइट साइड में लेग में पेन उतर सकता है, लेफ्ट साइड में आपको बैक पेन हो सकता है, या फिर आपको पिन पॉइंट पेन हो सकता है, या फिर पूरे बैक में आपका दर्द फैला हुआ हो सकता है और पैरों में उतर सकता है। तो वहाँ पर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है जो कि आपको MRI में देखने को मिलता है, जिससे आपको एक तरह से आपकी बीमारी को समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। शुरू करते हैं फ्रेंड हमारे कमर के नसों का दबाव। यानी फ्रेंड, जैसे कि हमने बात करी है कि हमारी डिस्क होती है, और डिस्क और न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस किस के डायरेक्शन में मूव करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको साइटी के जैसे सिम्टम्स आना, आप कमर में दर्द या पैरों में दर्द का उतरना हो सकता है। फ्रेंड, यह हमारा है फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने चर्चा करी थी कि यहाँ पर सेल्फ प्रोटेक्शन, यानी आपका कमर का टेक्शन, जिससे हमारी थोड़ी नसें ढीली पड़ती है, यानी जो हमारी वर्टिब्रा होती है उनमें किस तरह से आप खिंचाव पैदा कर सकते हैं जिससे नसें ढीली पड़े और आप ठीक होने की ओर अग्रसर हो जाएं। सेकंड पार्ट में हमने कुछ बेसिक एक्सरसाइज देखी थी कि नॉर्मल व्यक्ति, वह जिसको जैसे कि बैक पेन की समस्या है, किसी को पैरों में दर्द उतर रहा है, तो वहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज उन्हें कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमने चर्चा करी थी कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइज, यानी आपकी कोर मसल को स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड, फोर्थ पार्ट में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था कि जहाँ पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनमें आप लगभग आप अच्छे तरह से ठीक हो सकते हैं, कौन सी कंडीशन में आपको सावधान रखनी होती है, कौन सी कंडीशन आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। उसके अलावा फ्रेंड, उसी के साथ साथ MRI रिपोर्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि डिस्क हमारी किस डायरेक्शन में मूव होती है, जिसकी वजह से कौन से साइड में आपको पेन हो सकता है और कौन से साइड में आपको पेन नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड, अब यहाँ हम देखेंगे कि हमारी जो डिस्क है वो किस तरह से मूव करेगी, यानी कौन से डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसको आपको बैक पेन से और आपको पैरों में दर्द उतर सकता है। फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लेटरल व्यू बोलते हैं हम इसको, ठीक है, और इसे आप पीछे की ओर से देखेंगे तो ये तो हमारा हो गया एंटीरियर आगे की ओर, और ये वाला हो गया पोर्शन पीछे की ओर। अब फ्रेंड बात करें एंटीरियर, अगर एंटीरियर आपकी डिस्क चली जाती है तो उससे ऐसा कोई विशेष इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फ्रेंड अगर ये पोस्टर की ओर जाती है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर होती है नर्व और यहाँ पर होती है हमारी केनाल, जहाँ पर हमारी नर्व पास होती है, जो हमारे पैरों को सप्लाई देना, हमारे बैक को सप्लाई देने का काम करती है। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, जैसे कि पोस्टर लेटरल। पोस्टर जैसे कि मैंने समझा आपको पीछे की ओर, और लेटरल मतलब साइड की ओर। तो जैसे कि हमारी डिस्क है, आप इस तरह से देखें, ये हमारी अगर डिस्क फटती है और ये फट के जैसे कि पीछे और लेटरल साइड में शिफ्ट होती है, तो मान के चलो यहाँ से हमारी जैसे कि ये नर्व निकलती है, या पार्ट जो देख रहे हैं यह नर्व निकलती है। अगर ये पोस्टर लेटरल की ओर होता है तो ये हमारी बैक पेन और साथ में पेन भी यहाँ पर रेडिएट कर सकता है हमारी लेग के अंदर। तो यहाँ पर हो गया ये पोस्टर लेटरल, यानी पीछे की ओर और लेटरल साइड। अगर मान के चलो कि पोस्टर पीछे की ओर और राइट साइड में आपके जो डिस्क जाती है या न्यूक्लियस पल्पोसर जाता है वो नर्व पे कंप्रेशन देता है, तो राइट साइड में राइट लेग में चला जाएगा, और लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट लेग में चला जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पर एक और होती है कि पोस्टर सेंट्रल। पोस्टर मतलब पीछे की ओर और सेंट्रल मतलब मध्य में से। अब यहाँ पर जैसे कि मान के लो बिल्कुल पीछे से और सेंट्रल में चली जाती है, अब इस नर्व पर यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो दबाव बनता है, तो फ्रेंड यहाँ पर हो सकता है दोनों पैरों में आपको पेन उतर सकता है। हो सकता है अगर डिस्क कम मात्रा में आपकी दबी है तो सिर्फ बैक पेन रहेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में दबाव पड़ता है, यानी डिग्री वाइज ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो यहाँ पर दोनों पैरों में आपको पेन जा सकता है, जो कि आपका रहेगा पोस्टो सेंट्रल। अब फ्रेंड, इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी पैरा सेंट्रल। पैरा मतलब पीछे की ओर और सेंट्रल में आपके जो नर्व का दबाव पड़ता है उसे हम बोलते हैं पैरा सेंट्रल। यानी इस कंडीशन के अंदर आपको दोनों पैरों में आपको दर्द जा सकता है, या फिर हो सकता है अगर सीवियरिटी कम है तो हो सकता है यहाँ पर बैक पेन बन सकता है। बैक पेन हो सकता है आपको पिन पॉइंट भी हो सकता है, और आपका फैला हुआ भी बैक पेन हो सकता है। उसके अलावा फ्रेंड, यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया था कोडल माइग्रेशन। कोडल माइग्रेशन मतलब आप देखेंगे जो हमारी डिस्क है, अब ये डिस्क जब पीछे की ओर जाती है तो वो नीचे की ओर मूव कर जाती है, तो नीचे की ओर मूव करने को हम बोलते हैं कोडल। कोडल के साथ मान के चलिए नीचे। उसके अलावा एक टर्मिनल जो होती है सेफल माइग्रेशन। सेफल माइग्रेशन होती है ऊपर की ओर, यानी ये डिस्क है ये आपके पीछे की ओर गई लेकिन ऊपर की ओर मूव हो चुकी है, तो उसे हम बोलते हैं हम सेफल माइग्रेशन, यानी कोडल से नीचे और सेफल से ऊपर की ओर। सेफल ज़्यादातर देखने को मिलता है हमारी
नेक की कंडीशन में यानी गर्दन की कंडीशन में सेपल माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, और जो कोडल माइग्रेशन देखने को मिलेगा यहाँ पर ज़्यादातर आपको लंबार में देखने को मिलता है। फ्रेंड यह है यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर जैसे कि आपकी रिपोर्टिंग क्या है, बल्जिंग डिस्क पोस्टोलेटल, बल्जिंग डिस्क पैरा सेंट्रल हो सकता है। तो इस तरह से आपके रिपोर्टिंग में आपको देखने को मिलता है। भाई इस तरह से आपको वहाँ पर जो MRI की रिपोर्ट बनाई जाती है वो उस कौन सी डायरेक्शन में दबी उसी के अनुसार आपको वहाँ पर लिखा हुआ जाता है। अब फ्रेंड इससे थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा, भाई मेरे को पोस्ट लेटरल है, लेटरल तो अगर राइट साइड में तो राइट साइड को जा सकता है, और लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में पेन उतर सकता है, हो सकता है आपको बैक पेन भी हो सकता है, जो आपका फैला हुआ भी हो सकता है या फिर पिन पॉइंट पेन भी हो सकता है। अब फ्रेंड जैसे कि बात की जाए भाई सिवियरिटी यानी आपको कितना पेन होता है, कितना रेडिएट कर सकता है, तो उसके लिए कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे SLR पैर उठा के देखा जाता है, जिससे गाइडें लग जाता है कि यार इसको दबाव है तो कितना हो सकता है। क्योंकि फ्रेंड वहाँ पर हमारी नर्व लेग में नर्व ट्रेवल करती है, तब SLR किया जाता है, तो वहाँ पर जो हमारा डिस्क निकला हुआ रहता है वो क्या है, नर्व को पिंच करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आपको पेन बनता है, जो कि एक फिजिकल टेस्ट होता है SLR। अब फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि बात की जाए रिकवरी, तो इससे पहले हमने जो पार्ट में बात की जैसे कि प्रोट्रूजन एक्सट्रूजन, उसके अलावा इस वाले पार्ट में कुछ टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया। अब इन सभी से मिलकर बनती है हमारी रिपोर्टिंग कि भाई इसको एक्सट्रूजन है, बल्जिंग डिस्क है, हर्निएशन डिस्क है, उसके अलावा कौन सी डायरेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है टर्मिनोलॉजी में। अब फ्रेंड बात करें जैसे कि रिकवरी किस किस की रिकवरी बहुत अच्छी होगी, तो फ्रेंड ये आपके एक बार MRI देखने के बाद ही पता चलता है भाई किसकी बहुत अच्छी रिकवरी, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर मैक्सिमम ऐसी कंडीशन होती है जो कि बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाती है। उसके अलावा फ्रेंड हम चर्चा भी कर चुके हैं कि जैसे कि यूथ में बहुत अच्छी रिकवरी मिलती है, और कौन सी कंडीशन के लिए आपको सर्जरी की करवाने की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब फ्रेंड पर्टिकुलर नेक्स्ट पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन के अंदर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, भाई स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और आपका अगर पेन बढ़ रहा है तो उस एक्सरसाइज को वहाँ पर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसकी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।